बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ आयुषी कंडेल फ्रॉम गया बिहार, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से है। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट लिमिट एक्स टेंस ज़ीरो एक्स वन प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपान एक्स क्यू इज इक्वल टू वन। यानी ये लिमिट अगर वन के इक्वल हो तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम पहले इस लिमिट को लेके चलते हैं, यानी लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ज़ीरो, और इसको पहले नोट कर लेंगे एक्स वन प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स होल अपान एक्स क्यूब। वैसे तो ये वन के कुल दे रखी है, वन के कुल लेके भी चल सकते हैं हम लोग, और इसमें हम लिमिट एक्स टेंस ज़ीरो एक्सटेंसन जो कॉस एक्स का होता है साइन एक्स का होता है यहाँ पर पुट कर देंगे, तो एक्स इंटू वन प्लस ए इंटू कॉस एक्स का एक्सपेंसन की शुरुआत होती है वन से, और इसमें सब इवन पावर आते हैं ज़ीरो टू, और जितनी पावर होती है इतनी अपान में फैक्टोरियल होता है टू। ये फैक्टर ज़ीरो की वैल्यू वन होती है इसलिए ये वन ही आ जाएगा, प्लस एक्स की पावर फोर अपान फैक्टोरियल फोर, और अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म होते हैं, नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रेकेट क्लोज। फिर माइनस बी इंटू साइन के एक्सपेंशन में एक्स की और पावर होती है, एक्स की पावर वन अपन फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन होती है तो एक्स ही आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर थ्री अपन फैक्टोरियल थ्री, इसमें सारी और पावर होती हैं, प्लस एक्स की पावर फाइव अपन फैक्टोरियल फाइव, और माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपान में एक्स क्यूब है। और ये लिमिट को सॉल्व करेंगे तो ये बता दिया गया इसकी वैल्यू वन के इक्वल आएगी। अब यहाँ पर हम जो x के कोफिशेंट हैं वो कलेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा x का अंदर इसमें ब्रैकेट में, तो इसका इनटू पहले तो देखें कांस्टेंट इसके अंदर ही देख लेते हैं ब्रैकेट के, ये वन और a का जो वन में इनटू होगा तो वन प्लस a कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, फिर a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a अपान फैक्टोरियल टू की वैल्यू वन इंटू टू, वन इंटू टू यानी टू के इक्वल होती है, और एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट हो जाएगा, ए का इंटू इसमें मिलेगा होगा प्लस ए अपान फैक्टोरियल फोर एक्स के पावर फोर, ऐसे आगे और भी टर्म होंगे, और इस बी का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लें माइनस बी एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बी एक्स क्यू फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू वन इंटू टू इंटू थ्री यानी सिक्स के इक्वल होती है, माइनस बी का इसे इंटू का तो माइनस बी एक्स की पावर फाइव अपान फैक्टोरियल फाइव, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी राइट हैंड साइड में वन के इक्वल है ये लिमिट सॉल्व करने के बाद, अपान में है एक्स क्यू। अब एक स्टेप में और हम एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वन प्लस ए इंटू एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ए अपान टू एक्स क्यूब प्लस ए अपान फैक्टोरियल फोर एक्स की पावर फाइव माइनस एंड सो ऑन, माइनस बी एक्स इसको हम ऐसे लिख देंगे बी एक्स क्यूब अपान सिक्स माइनस बी अपान फैक्टोरियल फाइव एक्स की पावर फाइव प्लस एंड सो ऑन अपान एक्स क्यूब, राइट हैंड साइड में इक्वल है वन के ये। यहाँ पर कोफिशेंट को कलेक्ट करेंगे जैसे कि पहले कहा था हमने, एक्स की पावर एक का कोफिशेंट यहाँ पर तो वन प्लस ए है, और यहाँ पर एक्स का कोफिशेंट माइनस बी है, तो एक्स का कोफिशेंट हमें मिल गया इतना। उसके बाद थ्री पावर है और इसमें देख रहे हैं कि एक्स क्यू का कोफिशेंट है ए माइनस का ए अपान टू, और यहाँ पर एक्स क्यू कोफिशेंट प्लस का है बी अपान सिक्स, और ये एक्स क्यू कोफिशेंट। इसी तरीके से हमें आगे और भी पावर को कलेक्ट कर लेना चाहिए, यानी प्लस का ए की बार फाइव को कोफिशिएंट ए अपान फैक्टोरियल फोर, और यहाँ पर माइनस का बी अपान फैक्टोरियल फाइव एक्स की बार फाइव को कोफिशिएंट, और इसी तरीके से आगे और भी टर्म मिलेंगे, अपान में एक्स क्यू है राइट हैंड साइड में वन, एक्स की बार देख रहे हैं वन है थ्री है फाइव है आगे सेवन, ऐसी बढ़ती चली जाएगी टू टू। न्यूमरेटर्स में से हम कॉमन ले लेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स को कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा वन माइनस वन प्लस ए माइनस बी
प्लस माइनस ए अपान टू ये, और प्लस बी अपान सिक्स, एक्स क्यूब था, एक एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर बचा, प्लस ए अपान फैक्टोरियल फोर माइनस बी अपान फैक्टोरियल फाइव एक्स टू दी पावर, यहाँ एक एक्स कॉमन लेने पर फोर पावर बचेगी, प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, होल अपान में एक्स की पावर थ्री है, राइट हैंड साइड में वन के इक्वल चल रहा है, एक्स की एक पावर कट जाएगी, यहाँ पर एक्स की दो पावर बचेंगी अपान में, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पर एक्स की पावर डिनोमिनेटर में टू बचेगी, न्यूमरेटर में वन प्लस ए माइनस बी प्लस माइनस ए अपान टू प्लस बी अपान सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान फैक्टोरियल फोर माइनस बी अपान फैक्टोरियल फाइव एक्स की पावर फोर प्लस एंड सो ऑन, और राइट हैंड साइड में वन के इक्वल। अब देखिए ये लिमिट इसकी जो आ रही है वन के इक्वल आ रही है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये टर्म ज़ीरो हो जाए, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर कट जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वन के इक्वल आ जाए, क्योंकि एक्स बराबर ज़ीरो है, एक्स टेंस ज़ीरो है, तो अगर हम ये टर्म ज़ीरो नहीं होगा तो अपान में ज़ीरो आ जाएगा, ये अपान एक्स स्क्वायर यानी ये अपान में ज़ीरो स्क्वायर यानी ज़ीरो आ जाएगा, अपान में ज़ीरो हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगी वैल्यू, वन के इक्वल नहीं आ सकती, और बाकी टर्म कुछ भी आते रहें यानी ये कैंसिल हो जाए ऊपर, एक्स की पावर दो बचे और एक्स पावर ज़ीरो रखने में सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन अगर फर्स्ट टर्म यहाँ पर बाकी बच गया तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इसकी लिमिट पहले ही बता दी गई वन के इक्वल है, तो ज़रूर ही ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी, और जब एक्स को जब ज़ीरो कर दिया जाएगा और एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा, प्लस एक्स की पावर यहाँ पर टू बचेगी, और ऐसी पावर एक्स की टू फोर सिक्स ऐसे बचेंगे, और एक्स पावर ज़ीरो रखने पर वो सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म में ये कोएफिशिएंट बचेगा, एक्स स्क्वायर कट चुका है इतना, और इसकी लिमिट वन आना है, क्योंकि सारे टर्म तो ज़ीरो हैं, तो इसकी वैल्यू वन के इक्वल आएगी क्योंकि ये वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, तो ये तभी पॉसिबल है, दिस सिंपल एज दैट, कि फर्स्ट टर्म जो है वन प्लस ए माइनस बी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाए, और एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट माइनस ए अपान टू प्लस बी अपान सिक्स की वैल्यू वन के इक्वल हो जाए। अब इसको सॉल्व करें तो ए माइनस बी इस वन को ट्रांसपोज करेंगे माइनस वन, एक इक्वेशन ये हो जाएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करें एलसीएम ले लें यहाँ पर सिक्स को, तो माइनस का थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, सिक्स का इंटू करेंगे माइनस थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर टू डाल दें, इक्वेशन नंबर वन को ऐड कर दें इक्वेशन नंबर टू में, ऐड इसलिए कर रहे हैं ताकि बी से बी प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन है इक्वेशन नंबर वन है, और माइनस का थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स है इक्वेशन नंबर टू है, जब ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे और इनका डिफरेंस माइनस का टू ए बचेगा, और इनका डिफरेंस फाइव फाइव है, और ए की वैल्यू निकालना है तो फाइव को माइनस टू से डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से हमें ए की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू मिल गई, और ए की वैल्यू जब मिल गई तो इसको हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर वन में, इस वैल्यू को पुट करके, वन इक्वेशन है ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, ए की वैल्यू जो कि आ चुकी माइनस फाइव बाई टू, इससे हम बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बी को उधर ट्रांसपोज कर दें वन को इधर ले आए तो फाइव बाई टू प्लस का वन हो जाएगा, और बी भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, अपान वन करेंगे एलसीएम टू लेंगे तो माइनस फाइव प्लस का टू, और इसका डिफरेंस थ्री आ रहा माइनस का अपान में टू, तो बी की वैल्यू यहाँ पर मिल गई हमको माइनस थ्री बाई टू, इस तरीके से हमारा ए की वैल्यू भी मिल गई बी की वैल्यू भी मिल गई, दोनों का ये हमारा आंसर हो गया, यानी ए इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू और बी इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, ये आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग, वाकरुद्दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।